हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जिशान। आज हम लोग देवनार मंडी आए ले और अभी यहाँ पे सैटरडे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बकरे के लिए भी आए ले क्योंकि आज की मंडी रहती है, जैसा मैंने अगले व्लॉग में बोला था। तो अगर तुम लोग ने मेरा वो व्लॉग भी नहीं देखे तो वो भी देख लो, और मैं पूल गया था स्विमिंग पूल, वो व्लॉग भी देख लेना। अभी हम लोग जा रहे हैं इधर पे, बच्चे भी बहुत सारे तो हम लोग वो भी देखने वाले, क्या रेट चल रहा है बच्चों का और बकरे का क्या चल रहा है। तुम लोग देखे गेट पे कितने सारे बकरे, और यहाँ सब भी देख सकते हैं, मजबूत भीड़ है उधर इधर सब जगह, और उधर पे तीन चार पहाड़े बंधे हुए, जैसे कि यहाँ पे शेड बना हुआ था पूरा, जो कि अभी नहीं है क्योंकि बकरीद जा चुकी है। तो अगली बकरीद में रिटर्न इधर शेड बनेगा। तो गाइस अभी हम लोग 12 नंबर रेस 2 में, इधर देख सकते हैं बड़े भी है बच्चे भी, आप लोग को ढूंढ के लेना पड़ेगा। और ये वाला बकरा बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हो तुम लोग। और इस साइड में तुम लोग देखो बहुत ज़्यादा बच्चे, इधर पे कट्टू के बकरे भी है क्योंकि आज मंडी है तो सब लोग आते हैं इधर पे आज सैटरडे के दिन और ट्यूसडे के दिन बकरे लेने के लिए। 12 नंबर देख सकते हैं, रेस 2 है, देख सकते इधर कितने ज़्यादा बकरे हैं। उस साइड सामने भी थोड़े बहुत बकरे हैं, तो अभी देख सकते हैं सामने इतने सारे मेंढे हैं और ये अपना व्यापारी भाव बैठा हुआ है। इस साइड देखो एक मेंढा बीमार हो गया है, उठ नहीं पा रहे हो, और इधर भी बहुत सारे बकरे बच्चे ये सब। और आज मंडी लगी है जैसा तुम लोग देख रहे हो, उधर पे कट्टू के बकरे खड़े हुए, सिंगल में भी अगर बोलेंगे तो आप लोग दे देंगे, लेकिन बच्चे कट्टू के बकरे बोलते तो देते नहीं है, वैसा भी उन लोग की हाइट इट बढ़ती नहीं है और कोई जात के नहीं रहते उन लोग। तो अभी आगे जाते देखते हैं, अंदर बाड़े में देख सकते हैं कितनी भीड़ है, आगे जाके देखते। तो अभी हम लोग देवनार बकरा मंडी के अंदर है और तुम लोग 12 नंबर देख सकते हो, और इस साइड में बकरे नहीं है ज़्यादा, उधर पे अभी हम लोग वहाँ से ही आए थे, तुम लोग वीडियो में देखे ही होगे। और जब बकरा ईद रहती है तो यहाँ पे अच्छा खासा शेड बना रहता है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत रहती है और लाखों की तादाद में बकरे आते हैं और बिकते भी है क्योंकि वो दिन ही इतना खास है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और इस साइड में हम लोग ने एक ब्लॉग भी हम लोग का यहीं से शूट किया था, हम लोग वहीं से आए थे, हम लोग का पहला ब्लॉग था देवनार मंडी का। इस साइड में देख सकते हो इधर पूरा भाड़ा भरा हुआ है और इधर पर खाली है, उस साइड में बकरे है थोड़े बहुत, और यहाँ पे कट्टू के बकरे ज़्यादा है क्योंकि जैसा वो बकरे रहते हैं ना, दुकान वाले लोग काटने वाले लोग उन लोग को सब खरीदते और दुकान ही पे बेचते, और बच्चे भी हैं उस साइड में अच्छे खासे बच्चे। और ये सब जो बकरे रहते हैं ना, इसके अंदर अगर तुम लोग ढूंढ के बच्चे निकालोगे ना तो अच्छे अच्छे नस्ल के बच्चे भी निकलते हैं। लेकिन बोर हो गया, सोजत हो गया, सब बकरे ज़्यादा अगर मिलते नहीं हैं तो हम लोग आगे जा रहे हैं और देखते उस साइड में जा रहे हैं, देख सकते सिंगल पीस एक बकरा जा रहा है। तभी तुम लोग देख सकते इधर पे मेंढे जा रहे सब बाड़ों में, ओए ओए करते हुए अंकल बकरे लेके जा रहे, देख सकते। और एक टाइम तक इसके अंदर अच्छे खासे बकरे के नंबर रहते थे लाखों की तादाद में, और आज ये बंद है। इधर पे भी थोड़े बहुत बकरे, इन लोग को एक साथ इसके लिए बांधते ना क्योंकि इन लोग इधर उधर भागे ना, देख सकते जैसे खुले तो इधर उधर भाग रहे, तो इसके लिए सब बकरे के झुंड को तुम लोग आगे भी वीडियो में देखे होंगे कैसा बंधे हुए, इसके लिए लोग को बांधते। आज माशाल्लाह से अच्छे खासे बकरे आए हुए, मंडी आज अच्छी खासी है, तो तुम लोग आओ बकरे लो अगर पालने का है तो, देख सकते इधर पे भी बांध के बकरे आ रहे, आओ पालने के लिए अच्छे अच्छे बकरे लो लेके जाओ पालो। तो हम लोग बाड़े के अंदर, और ये मेंढा देख सकते, मेंढा कितना प्यारा है यार, वही तो देखना इतना छोटा है, एक महीने का होगा। अरे बेचने नहीं ना वो बोला तो, अरे वो अभी थोड़ा और रुक के बेचो, बड़ा हो गया कितना खतरनाक रहेगा अगर बचपन जैसे पालेंगे तो। और बकरे देख सकते हैं कट्टू के कितने सारे, आज अच्छी खासी भीड़ है मंडी में, देख कितना क्या प्यार है बे, देख माशाल्लाह एकदम वाइट है, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई, अभी घर पे आने थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी अपने। अभी चल चल अंदर जाते बाड़े के, वो मेंढे की मुंडी देख कौन सा, 5 किलो की मुंडी, 1.5 किलो की, मेंढे से आधा मुंडी वजन है। अभी चल बाड़े के अंदर आते भीग गए,
सकते हैं हम लोग दिनार मंडी के अंदर है, और इस साइड में देख सकते हैं अच्छे खासे बकरे, और इधर पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे पूरा शेड बना हुआ था, तो अभी हम लोग जा रहे घर क्योंकि बारिश हुई थी, तो अभी थोड़े थोड़े हम लोग भी भीग गए, हल्की सी हुई थी। देख सकते हैं पीछे सूखा है क्योंकि दो तीन दिन से बारिश हुई नहीं, इसकी वजह से इतनी जल्दी पानी गिरा भी जमीन पर सूख गया, तो बारिश हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भीग जाएगी, घर भी थोड़ा दूर है, तो अभी चलते घर के तरफ। तो भाई जैसे तुम लोग देखा हम लोग दिनार मंडी आए थे, तो तुम लोग देखे इधर पे सैटरडे का दिन था, तो अच्छी खासी पब्लिक आई थी बकरे लेने, कट्टू के बकरे भी अच्छे खासे थे, और इस साइड में शेड बना हुआ था देख सकते हैं। इधर पे पेड़ है लेकिन पत्ते नहीं है, वो भी पेड़ है उस पर भी पत्ते नहीं है, बाकी और पेड़ है उस पर पत्ते हैं, और एक उधर है सामने दो पेड़ छोटे छोटे, नहीं तीन है, दो है तीन है, तीन है, हाँ उस पर भी पत्ते नहीं है, तो देख सकते हो तुम लोग। तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जाओ तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।